आज से 3 नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे पुराने कानूनों को खत्म कर दिया गया है। इन नए कानूनों के तहत बरेली जोन में पहला मुकदमा अमरोहा जिले में तो बरेली में पहला मुकदमा बारादरी थाने में दर्ज किया गया है। इस मौके पर सभी पुलिस थानों में नए कानून के स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें इलाके के गणमान्य लोगों को नए कानूनों की जानकारी दी गई। कोतवाली में आयोजित कार्यक्रम में एडीजी बरेली जोन रमेश शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान एडीजी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि 3 नए कानून अस्तित्व में आ गए हैं। इससे लोगों को तय समय में न्याय मिलना आसान होगा। इसमें नई भारतीय परिस्थितियों के अनुसार कानूनों में परिवर्तन किया गया है। जनता को नए कानूनों की जानकारी देने के लिए ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि एडीजी ने नए कानूनों को लेकर क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि अपर निर्देशक अभियोजन अवधेश पांडे ने क्या जानकारी दी और पहला मुकदमा कहां और क्यों दर्ज हुआ। ये जो 3 नए कानून लागू किए गए हैं, इसके संबंध में पूरे बरेली जोन में हर एक थाने पे अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सभी अधिकारी अलग अलग थानों पर गए हैं। इसमें जनता के मानिंद लोग, गणमान्य लोगों को उसमें सम्मिलित किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। इसके बारे में जागरूकता नए कानूनों के संबंध में सभी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है और एक ऐतिहासिक क्षण है जब लगभग 150 साल से अधिक के जो पुराने कानून हैं उनको नए कानूनों के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। इसमें न्याय पाना और सुलभ होगा लोगों के लिए और टाइम बाउंड मैनर में जो है वो न्याय मिलेगा, जो कि काफ़ी परिवर्तन है। नई टेक्नोलॉजी का समावेश है, नई चीज़ों का समावेश किया गया है नई भारतीय परिस्थितियों के अनुसार। इसका लाभ जनता को ज़रूर मिलेगा। इसी के संबंध में आज ये कार्यक्रम कोतवाली जनपद बरेली में भी किया गया है, जहां सभी गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए हैं और उनको एडी प्रोसिक्यूशन साहब, एडिशनल एसपी साहब के द्वारा इन कानूनों की बारीकियों, नई जानकारियों को उपलब्ध कराया गया है। सभी व्यक्तियों के द्वारा इसे सराहा गया है और इसके संबंध में लीगल अवेयरनेस और लोगों को फैलाई जाएगी। आज के कार्यक्रम के उपरांत आगे भी समय समय पे लीगल अवेयरनेस के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे जनता को लीगली अवेयर किया जाए और लीगल लिटरेसी भी आगे और बढ़ाई जाए। इस तरह के कार्यक्रम बरेली जोन के विभिन्न जनपदों में आगे भी जारी रहेंगे। कानून लागू किए हैं उसके मूल में जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि जो भारतीय संस्कृति है इसको बढ़ावा मिले और आप देखेंगे कि आम नागरिक को न्याय प्रदान करने के लिए इस संहिता का नाम भारतीय न्याय संहिता रखा गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसलिए रखा गया कि भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षा हो। और पहले का जो कानून बना था उसमें दंड शब्द प्रयोग किया गया था, भारतीय दंड संहिता, अब न्याय शब्द प्रयोग किया गया है। और एक चीज़ और देखेंगे, भारतीयता को बढ़ावा इस तरह से मिल रहा है कि चाहे आप अंग्रेजी में कहें या आप हिंदी में बोलें, आपको भारतीय न्याय संहिता ही बोलना है, आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही बोलना है, आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही बोलना है। अब आपको ऐसा नहीं है कि भारतीय जगह पर आपको इंडियन शब्द प्रयोग करना है। इस तरह से हमारी संसद ने भारतीयता को भी बढ़ावा दिया है। हाँ, अब FIR उस थाने में भी लिखी जा सकती है जहाँ पर कि अपराध घटित नहीं हुआ है और उसको कहेंगे 0 FIR। और अब आप मोबाइल के माध्यम से भी सूचना दे करके FIR करा सकते हैं, उसको EFIR कहा गया है। 3 दिन के भीतर जा करके थाने पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। हाँ, धाराएँ काफ़ी कम की गई हैं और टाइम बाउंड ट्रायल्स फिक्स कर दिया गया है। अब भारतीय नागरिक को समयबद्ध तरीके से एक टाइम लिमिट के अंदर जो है उसको न्याय मिलेगा। बरेली में भारतीय न्याय संहिता कानून के तहत दर्ज पहले मुकदमे की बात करें तो यह पीलीभीत निवासी सुशील कुमार की ओर से डोरा रोड स्थित अपोलो अस्पताल से 1 माह के बच्चे के गायब होने को लेकर बारादरी थाने में दर्ज कराया गया है। मुकदमे के मुताबिक सुशील कुमार ने 22 दिन के बेटे को 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया था। नवजात को मशीन में रखा गया था, रविवार देर रात वो अचानक मशीन से गायब हो गया। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले में परिजनों और अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ कर रही है।